तो ये है 15 तारीख का दिन और टाइम था 7 बजे। 7 बजे फिक्स ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जाने लगे हैं, 1-2 दिन हो गया है ऑफिस जाते हुए, तो फिर ये जाते हैं। उसके बाद अपना सारा काम मैं निपटाती हूँ। इलू का क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो फिर रूटीन मेरा थोड़ा गड़बड़ ही रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं है अभी मेरा। बहुत अच्छे होंगे। आज है डेट 15 है शायद, हाँ। कभी तो 15 तारीख से जो है बच्चों की गर्मियों की छुट्टी वापस से शुरू हुआ करती थी, अब कैसा वक्त आ गया है ना। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह ये ऑफिस चले गए, इनको ऑफिस जाते हुए 2 दिन हो चुके हैं और टिफ़िन मैंने इनको दिया था, टिफ़िन तो दे दिया। और इलू ने भी नाश्ता कर लिया, पराठा खाया था एक। तो अब मैं अपना ही आटा लगाती हूँ जितना कि काम आए। मैं खाती नहीं हूँ सुबह, कुछ ऐसे सैलेड फ्रूट्स ये सब लेती रहती हूँ इस वजह से। तो अब इलू को पराठा दे दिया और अब उसको दूंगी राइस भी। दिन में बच्चों के लिए एक बार ज़रूरी है, क्योंकि इलू थोड़ी पतली सी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि राइस खा के वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। तो उसके लिए अब लंच में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। उसको फ्राइड राइस पसंद है या फिर पुलाव आजकल पसंद आने लगे हैं, टोमेटो पुलाव। अगर थोड़ा सा लहसुन डाल दो तो, या मैगी पाउडर डाल दो तो, पहले खाती नहीं थी तो इस वजह से फ्राइड राइस बनाऊंगी, ताकि उसको राइस प्लस वेजिटेबल्स कुछ उसकी बॉडी में पहुंच जाए। तो इलू के लंच में, इनका तो हो चुका, तो इलू के लंच में बनने वाला है फ्राइड राइस। तो मैं राइस को जो है वो बॉयल करूँगी, बॉयल जब हो जाएंगे थोड़ी देर बाद उनको बना दूँगी चाइनीज़ राइस, ठीक है। फिर कुछ जो जो मुझे लगता है वो देखूंगी। सुबह को मैंने बस इनको टिफ़िन दिया, इनके जाने के बाद मैं 1-1.5 घंटा करीबन देती हूँ, जैसे कि पौधों को दे दिया, फिर मैं अपनी गर्म पानी ले लिया, एक्सरसाइज कर ली, ऐसे कर लेती हूँ। फिर इलू की क्लासेस होती है तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहना पड़ता है, मीटिंग नंबर डालो, फिर मीटिंग पासवर्ड डालो, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहना पड़ता है। फिर आज एक व्लॉग जो अभी गया है उसकी भी एडिटिंग की, क्योंकि रात को एडिटिंग नहीं हुई थी तो उसकी एडिटिंग की। तो ऐसे करते करते इतना टाइम हो गया है, अब मैं बना रही हूँ। 10 बजे होंगे मेरे ख्याल से, 10 बजे होंगे अभी। तो अभी बस इलू के फ्राइड राइस बनेंगे, उसके बाद मुझे एक वीडियो और बनानी है जो कि है मंथली बजट पे। तो यहाँ पे बस पानी उबालने के लिए चढ़ा दूँगी और चावल को धो लूँगी, क्योंकि चावल जो है वो बॉयल करने थे मुझे। तो ये देखिए चावल जो है वो पहले धो लेंगे और बस फिर बॉयल कर लेंगे। तो ये बस चावल जो है धुल गए थे तो मैं डाल दे रही हूँ इसमें, और ये बस 10 मिनट में हो जाते हैं, इसीलिए छोटे पतीले में मैंने चढ़ाए हैं, क्योंकि कम ही डालना था। 2-3 मुट्ठी मैंने चावल लिए थे बस। तो बस यहाँ पे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज को कट कर लूँगी, छोटा छोटा चावल बनेंगे तो उनको चाइनीज़ राइस बना देंगे। इसका भी कोई छिलका होता है तो फेंकना नहीं, मैंने वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। सब्जियां वगैरह सब कट हो चुकी थी तो, और चावल उबल ही रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक जो है कपड़े हो गए थे मशीन में वो सुखा के आ जाती हूँ। कभी मैं हाथों से धो लेती हूँ, कभी ये जैसे मशीन में डाल जाते हैं सुबह सुबह तो वो कर लेती हूँ। तो ये क्योंकि जो ऑफिस से आते हैं ना, तो कभी तो धो देती हूँ मैं उसी टाइम, कभी कभी रह जाते हैं ना जैसे कि, तो फिर क्योंकि ऑफिस से आते हैं इनको टच नहीं करने देती गेट, सीधा ये बाथरूम में जाते हैं नहाते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए इतना ज़रूरी है। फिर वो कपड़े भी सर्फ में इनसे बोल देती हूँ भिगो देना, मैं बाद में धो दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे चावल हो गए थे, तो थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, ये प्याज लिया है और इसे थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं,
और फिर बस ये पत्ता गोभी शिमला मिर्च थी मेरे पास, वो डाल दिए। गाजर वगैरह आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये जो चावल थे फिर मैंने वो डाल दिया, उसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल देंगे और फिर नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास जो है फ्राइड राइस का मसाला था वो भी डाल दिया है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस रेडी हो गए थे चावल और इलू को मैंने खाने के लिए दे दिया था। कुछ भी चीज़ बनाओ तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जैसे ये सॉस वॉस फ्रिज में से निकल के आते हैं तो बस वो वापस से उसी टाइम रख दो ना। तो चलो ठीक है, किचन थोड़ी साफ़ हो जाती है बट नहीं तो बस फैले रह जाते हैं यहीं पे। तो बस वही कचरा साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर दोपहर को ये आ गए थे, उसके बाद थोड़ा सा मुझे जाना था मार्केट। बहुत दिनों से निकली हूँ मैं, 4 मई को यहाँ पे आई थी और 14-15 मई को मैं मार्केट निकल रही हूँ। मतलब थोड़ा सा कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ गमले वमले भी मुझे लेने थे, क्योंकि गमले कम पड़ रहे थे और मुझे इच्छा हो रही थी खूब सारे पौधे लगाने की। तो मार्केट देखा मैंने बहुत दिनों बाद और बहुत से बदलाव देखे मार्केट में। तो बस हमने गमले जो है वो ख़रीद लिए थे, आसपास ही बिल्कुल मिल जाते हैं, मुझे लगा नहीं था कि मिल जाएंगे लेकिन फिर भी मिल गए मुझे। तो उनको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा। थे मार्केट से मैं लेके आई गमले, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, मैं लेके आई हूँ 12 गमले, 6 बड़े और 6 छोटे। मुझे तीव्र इच्छा थी, मेरे पास गमले कम थे और मेरे बहुत सी पौधे लगाने की इच्छा थी। 1 मिनट। तो फिर मैं गमले लेके आई और कुछ थोड़ी सी मिट्टी लेके आई। अब देखो यहाँ पे कितनी मिट्टी मिट्टी लग रही है, ओह माय गॉड, मेरे बालों पे मिट्टी हो रही है इतनी, ये दिख रही है। अभी आंधी आ गई थी पता है, तो बुढ़ी लग रही हूँ मैं। तो फिर वो लेके आए अभी गमले, तो 350 में 6 तो गमले आ गए, 6 छोटे 6 बड़े और एक वो सकोरा आ गया जिसमें पंछियों को पानी डालते ना वो, तो वो लेके आई हूँ अभी दिखाती हूँ। और मार्केट गई तब अच्छा लगा, मैं पता 4 तारीख से निकली ही नहीं थी बाहर और कैद थी घर पे। तो आज मैं निकली मिट्टी और गमले लेने के लिए, तो देखा कि बहुत कुछ बदल गया है। अब पता है अब मजबूरी के चलते सब कर रहे हैं, बेचारे पान वाले ने भी सब्जी का जो है दुकान लगा ली है और टिकिया वाले ने भी सब्जी की दुकान लगा ली है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने सब्जी की दुकान लगा ली। अब टिकिया पान और तो कौन खाए ऐसे में, और लेकिन सब्जी तो सब ले रहे हैं, तो सब ने क्या किया कि सब्जी की दुकान लगा ली है। तो देखो क्या हालत हो गई ना। और अभी यहाँ पे आंधी वांधी आ गई, बादल से आ गए, तो पौधे कल लगाई, थोड़ी सी मिट्टी लाई और थोड़ी कल लाएंगे। तो अभी दिखाती हूँ गमले। तो ये देखिए, ये तो है 6 छोटे वाले गमले जो मुझे मिले 20-20 रुपये के 6, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा कम कर रही नहीं थी आंटी, और ये भी बड़ी मुश्किल से कम किए थे उन्होंने, 40 रुपये के एक बता रही थी बड़े वाले गमले। तो बड़े वाले गमले मैंने 35 करवाए, तो 35 के 6, तो 210 के तो बड़े वाले आए और 120 के छोटे वाले आए, तो 330 रुपये हुए थे। और फिर ये एक ये लाए 20 रुपये का, तो 350 में ये सारी चीज़ें लेके आई हैं। तो अब इनमें मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लगाऊंगी, कोई फूल वूल हुए कोई तो वो लगाएंगे, तो जब भी लगाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे कपड़े समेट रही हूँ और फिर मुझे जो है नहाना भी था। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सफाई की, मैंने आपको बताया ना आंधी आ गई थी, आजकल बहुत आंधी आती है तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो खूब सारा तो झाड़ू पोछा लगाया मैंने और फिर कपड़े भी सारे धो डाले थे और भी कुछ जो बचे थे हाथों से धोए और कुछ अंदर से मैंने अपने निकाले थे तो वो भी मैंने धोए। इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मैंने बोला यार खाना बनाने का मन ही नहीं हो रहा और बाहर से तो आजकल ला नहीं सकते, तो फिर इन्होंने बोला मैं बना दूंगा। तो खाना बनाने के लिए अगर पति पट जाए तो लाइफ हो जाए झिंगा लाला, तो बस बहुत मज़ा आ जाता है। और हम औरतें तो उसी में खुश हो जाती है ना, कि जिस दिन रोटी नहीं बनानी पड़े और नहीं छोले चावल या राजमा चावल सिर्फ बनते हैं ना या दाल चावल, उसमें ही मज़ा आ जाता है कि यार आज रोटी नहीं बेलनी पड़ेगी, तो क्योंकि पक जाते हैं ना एक 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 काम करते हुए। तो इन्होंने बोला मैं बना दूंगा, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मेरे तो मज़े हो गए। तो यहाँ पे बस कपड़े समेट रही थी, फिर हम दोनों जो है नहा लेंगे क्योंकि मिट्टी मिट्टी में भर गए थे ना, तो कपड़े भी हमें चेंज करने थे। तो बस नहा धो के फिर ये बनाएंगे खाना। हाँ जी, वेलकम टू आवर किचन, आपका स्वागत है हमारी इस किचन में। आज आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा क्योंकि आज किचन में मेरी वाइफ नहीं है, प्राची नहीं है, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, इसलिए कुछ अटपटा जरूर लगेगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि आज मुझे मन किया कि क्यों ना मैं आज डिनर बनाऊँ। कभी कभी लगता है ऐसा, रोज नहीं लगता है, लेकिन आज मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ और मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ बनाऊं जो काफी दिन से खाया नहीं है। तो हमने कढ़ी और रोटी नहीं खाई है, तो सोच रहे हैं कढ़ी बना लेते हैं। किस तरह से कढ़ी बनती है ये सब आपको तो पता ही होगा, ज्यादातर
हर घर में बनता है कढ़ी, लेकिन आज मैं कढ़ी बनाता हूँ, ये दिखा देता हूँ कैसे मैं बना रहा हूँ। फिलहाल मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैंने 1/4 कटोरी यहाँ पर बेसन लिया है। इसी से शुरुआत करते हैं और आगे किस तरह से बनाते हैं या। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं आगे किस तरह से कढ़ी बनती है। मैंने आपको बताया कि 1/4 कटोरी बेसन ले रहे हैं, तीन जने हैं, तीन जनों के लिए हम लोग बना रहे हैं कढ़ी। तो ये कैसे बनती है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेज है, इस बेसन को आप इस छलनी से इसको छान लीजिए, और ये जब छानेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये हमने छान लिया है, अब हम मसाले का यूज करेंगे। मसाला क्या क्या पड़ता है इसमें, इसमें नमक डाल रहे हैं। सबसे पहले नमक डाल लेते हैं, थोड़ी सी मिर्च ज़रूर डाल देते हैं, मिर्च भी डाल देते हैं आप देखिए, और धनिया पाउडर, इसमें हल्दी भी थोड़ी सी पड़ती है तो हल्दी भी डाल लेते हैं, और ज़रा सा इसमें हींग भी डालते हैं, क्योंकि हींग से जो फ्लेवर आता है वो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अब ये जो देखिए आप मसालों को, अब इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें छाछ मिलाएंगे। छाछ को किस तरह से मिलाना है ये भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने मिक्स कर लिया है मसाले के साथ बेसन को, और हमारे पास है अब छाछ। छाछ को इसमें मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी है कि मिक्स इस तरह से करना है कि इसमें गांठें ना पड़े। तो हल्का हल्का इसमें छाछ डालेंगे और फिर इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें छाछ डाल के इसको मिक्स करते रहें, बस ये ध्यान रहे कि इसमें गांठे ना पड़े, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो छाछ मैंने इसमें और डाली है, इसको थोड़ा सा पतला किया है, और ज़्यादा छाछ डाल के आप देख सकते हैं अभी इसमें किस तरह से ये लिक्विड बन गया है। थोड़ा सा और इसमें पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं इसको और थोड़ा सा पतला करने के लिए, और आप इसको जितना पतला करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये गाढ़ापन इसमें बाद में आ जाएगा, तो आप अभी इसे पानी और छाछ डाल के इसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। अभी तैयार हो चुका है हमारा घोल, आप देख सकते हैं इसे पूरे लिक्विड फॉर्म में हमने तैयार कर दिया है। तो ये फर्स्ट स्टेज इसमें हम पार कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें कढ़ाई लेनी है। हमने कढ़ाई ली है और इसे कढ़ाई को हम कर देते हैं गैस ऑन, क्योंकि कढ़ाई में बनेगी हमारी आज की कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ऑयल। सबसे पहले आप ऑयल डालिए, कढ़ाई में ऑयल हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए आपने तेल छोड़ा था, तो तेल हो चुका है इस वक्त गरम, और अब हम डालेंगे इसमें राई। सबसे पहले हम राई डाल रहे हैं तड़का लगाने के लिए। राई के साथ हमने दाना मेथी ले ली है थोड़ी सी, तो आप थोड़ी सी दाना मेथी दीजिए। उसके अलावा हम डाल रहे हैं इस वक्त तड़के के लिए, तो ये हमारे तड़क गई है ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली। अब हम डाल रहे हैं इसमें पूरा घोल, कढ़ी का जो घोल हमने बना के रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो 5-7 मिनट में ही ये जो कढ़ी है इसमें आपको उबाल दिखाई देने लग जाएगा, ये उबाल दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कसूरी मेथी आपका स्वाद और इस कढ़ी को बढ़ा देती है। कसूरी मेथी आपके पास अगर है तो आप इसको क्रश कीजिए और फिर इसे इसमें कढ़ी में डाल दीजिए। आप देख रहे हैं उबाल किस तरह से आ रहा है, इसका मतलब आपकी कढ़ी पक रही है, और जितनी कढ़ी अच्छे से पकेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे आप कढ़ी बनाते रहिए, और इसे सिम आंच में करके इसको और थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, इसमें इसे पकने दीजिए, इसे पकने दीजिए। तो अब कुछ देर के लिए इसे पकने देंगे, कढ़ी को सिम आंच कर देंगे। सिम आंच से ये होगा कि जितनी देर तक ये इसमें कढ़ी जो
उबाल आता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा उबाल आएगा उतनी ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनेगी और उतना ही वो अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी पकने के लिए छोड़ी हुई है कढ़ी और इसी बीच मुझे एक डब्बे में दिख गई थी मंगोड़ी, तो क्यों ना मंगोड़ी डाल ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखिए ये मंगोड़ी होममेड है, ये भी हमने घर पर ही बनाई है, तो इसे आप मंगोड़ी को कढ़ी में डाल सकते हैं। आप चाहे तो पकौड़ियाँ बना कर इसमें डाल सकते हैं या फिर मंगोड़ी वाली कढ़ी बना सकते हैं या नॉर्मल कढ़ी भी आप बिना मंगोड़ी या बिना कढ़ी बिना पकौड़ियों के कढ़ी बना सकते हैं। तो मंगोड़ी डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए मध्यम आंच में इसको उबलने देंगे ताकि कढ़ी के साथ साथ मंगोड़ियाँ भी इसके साथ उबल जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमने कढ़ी पकने के लिए छोड़ी हुई है और जब तक ये कढ़ी मध्यम आंच में पक रही है तब तक हम अपने दूसरे प्रिपरेशन कर लेते हैं और दूसरी प्रिपरेशन है हमारे आज की मसालेदार रोटी। इसके लिए हमने आटा लेना है, आटा लेने के बाद हम किस तरह से मसाला रोटी बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये मैं आटा ले रहा हूं, छानते हैं सबसे पहले आटे को। आप कितने नंबर है उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं रोटी बनाने के लिए। तो मसालेदार रोटी बना रहा हूं ताकि कढ़ी के साथ मसालेदार रोटी बहुत मस्त बनती है, देखते हैं। तो अब हम डालते हैं इस आटे में मसाले, क्योंकि मसालेदार रोटियां बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं थोड़े सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा हींग और इन मसालों को फिर हम इस आटे के साथ मिक्स कर देंगे। तो मसाले को हमने कर दिया है मिक्स। अब क्या करना है, हमने लिया हुआ है एक मिर्च, उसे काट लिया है, साथ में ये फ्रेश पुदीना है, इसे और हम इस मसाले वाले जो मिक्सचर है आटे के साथ इसमें मिला लेंगे। और जो लोग प्याज खाते हैं वो इसमें प्याज भी काट कर मिला सकते हैं और इसमें और भी कसूरी मेथी भी मिला सकते हैं, कई चीज़ें इसमें फ्लेवर में आप मिला सकते हैं। तो अब इसको हम आटा बनाकर गूंथ लेंगे, आटे को गूंथ लेंगे। तो हमारा आटा हो चुका है इस वक्त रेडी, हमने रोटी के लिए ये तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल यूज़ किया था ताकि ये और अच्छे से इसमें। तो हमारा आटा हो चुका है रेडी और साथ के साथ हमने ये पकने के लिए छोड़ी हुई थी कढ़ी, ये भी हमारी कढ़ी पक चुकी है। इसमें जो हमने इसमें मंगोड़ी डाली थी वो भी पूरी तरह से पक चुकी है। तो ये अब रेडी हो चुकी है कढ़ी, लेकिन अब इसमें एक चीज और है, इसमें तड़का लगाना और बाकी है वो आपको बता देते हैं। तो हम तड़का लगाने के लिए लेंगे एक पैन जिसमें हम तड़का लगाएंगे और हम लेंगे घी, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं चाहे तो तेल भी ले सकते हैं तड़का लगाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे तड़का लगाना। हाँ, तो घी हमने गर्म करने के लिए छोड़ा था। घी के तड़का लगाने के लिए हमें थोड़ी सी राई लेनी पड़ेगी, राई लीजिए, क्योंकि राई हम पहले भी डाल चुके हैं। थोड़ी सी राई लेंगे और साथ में लेंगे हम साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च हम डालेंगे। तो ये हमने साबुत मिर्च डाली है, राई डाली है घी में और अब आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये तड़क रही है। जब ये तड़क जाए तो आप थोड़ी सी एक तो हींग डाल सकते हैं, क्योंकि हींग पहले भी डाली हुई है, थोड़ी सी हींग डालिए और फिर इसे गैस को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आप मिर्च डाल सकते हैं इसमें और मिर्च डालने के बाद आप इसे मिक्स करके और सीधा डाल दीजिए अपनी कढ़ी में और कढ़ी को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा लग गया है तड़का। तो हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार, अब आता है सिलसिला रोटी बनाने का। तो रोटी के लिए हमने लोहे बना लिए हैं और अब बनाते हैं रोटी। तो फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं रोटी, आप चाहे तो इसके साथ रोटी नहीं बना के पराठा भी बना सकते हैं, फिलहाल हम बनाते हैं रोटी।
तो बस ये था सिंपल सा आज का डिनर, मसाला रोटी और कढ़ी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।